राम राम। तो मैं आप लोगों से कुछ बातें अभी शेयर करना चाह रहा हूँ, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना कि मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ या फिर जो मैं अपने पेज पे डालता हूँ वो मैं क्यों डालता हूँ। सबसे पहली चीज, मैं अपने पेज पे जितनी भी चीजें डालता हूँ उसको मैं अपने पर्सनल लेवल पे चेक करता हूँ, वो बायोमैकेनिकली साइंटिफिकली सही होती हैं तो ही डालता हूँ, जिससे आप लोगों की भलाई हो तो ही डालता हूँ, अदरवाइज उसको मैं नहीं डालता हूँ। कोई फालतू की चीज आपको नहीं दिखेगी। पिछले 10 महीने में जो मुझे मेरी बॉडी में बदलाव दिखे हैं वो पिछले 4 साल में भी नहीं दिखे, और मैं आपको ये प्रूफ के साथ अपने पेज पे डाल रहा हूँ। मेरी फोटोज भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है, अभी मैंने कल ही डाली, उसके पहले भी 5-6 दिन पहले मैंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पिक डाली है। ये सिर्फ 10-11 महीने का बदलाव है, ठीक है। मैं चाहता हूं आप लोगों की भी मदद हो, आप लोग भी उस चीज को अप्लाई करो, एग्जीक्यूट करो, और आप लोगों को भी अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिले। गोल मसल बिल्डिंग है, तो और मसल बिल्डिंग के साथ साथ आपकी स्ट्रेंथ भी बिल्ड होती है। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है कि मसल तो बिल्ड कर लोगे पर स्ट्रेंथ का क्या। नो, इस चीज को भी मैं अपने आने वाले वीडियोस में प्रूव कर दूंगा, आप बस देखते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं एक चीज और आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। कुछ लोग मुझे इस तरीके से पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, मेरा किसी को हेट नहीं है, मैंने आज तक किसी को बुली, किसी को गलत तरीके से कुछ भी नहीं बोला, ठीक है, किसी की टांग खींच के कभी भी मैंने आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करी है। मैं सबको उतनी ही इज्जत देता हूं और मैं चाहता हूं कि बदले में मुझे भी लोग जैसे मैं सबके साथ हूं वैसे मेरे साथ रहें, पर नहीं रास आ रहा है कुछ लोगों को ये। तो मुझे इस तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है कि मैं कंपाउंड मूवमेंट्स के अगेंस्ट हूं। नो, मैं कंपाउंड मूवमेंट्स के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं उन कंपाउंड मूवमेंट्स के अगेंस्ट हूं जो सच में आप सच में प्रॉब्लमेटिक हैं, सच में आपको दिक्कत दे सकती हैं, सच में आपको इंजरी दे सकती हैं। लोग दो दो तीन तीन दिन सोर ही पड़े रहते हैं, लोगों को पेन होता रहता है। क्यों? क्या वो सही फॉर्म के साथ एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे इसलिए हो रहा था? नहीं, वो उन एक्सरसाइजेस में अपना मसल बिल्ड ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो सच में प्रॉब्लमेटिक है। लोगों की गलती नहीं है, उन गिनी चुनी कंपाउंड मूवमेंट्स की गलती है, ठीक है। और इन्हीं कंपाउंड मूवमेंट्स को मैं बुरा बोलता हूं और सब मैं चाहता हूं कि इनको ना करो, हमारे पास अच्छे अल्टरनेटिव हैं, हम ज्यादा अच्छे तरीके से मसल हाइपरट्रॉफी अटेन कर सकते हैं अगर हम उनको अपनी लाइफ में अप्लाई करें। पहली एक्सरसाइज है बिहाइंड द नेक लैट पुल डाउन, दूसरी एक्सरसाइज है बिहाइंड द नेक शोल्डर प्रेस, डंबल पुल ओवर, बारबेल बेंट ओवर रो, यस इसके साथ प्रॉब्लम है, और भी दो तीन एक्सरसाइजेस हैं जिनको मैं आने वाले वीडियोस में अपने कवर करूंगा। ये गिनी चुनी एक्सरसाइजेस कंपाउंड मूवमेंट्स हैं जिनके अगेंस्ट में हूं मैं, बाकी सारी की सारी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, ठीक है। अब बात आती है, तो आप स्क्वाट, डेडलिफ्ट और बेंच प्रेस को भी तो बुरा बोलते हो? नहीं, स्क्वाट, डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस बुरी नहीं है, इनको मैं बुरा बोलूंगा तो पावर लिफ्टर मेरे को खा जाएंगे, ठीक है। मैंने इनको बुरा नहीं बोला, मैंने बोला हमारे पास बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसका मतलब, बेटर का मतलब ये नहीं है कि स्क्वाट, बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट एकदम खराब हो गई है, सड़ी हो गई है, उनको करना ही नहीं है। बेटर ऑप्शन अवेलेबल का मतलब ये नहीं है कि स्क्वाट, डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस खराब बोल दिया अब शिवम भैया ने, नहीं। बेटर ऑप्शन अवेलेबल है का मतलब ये है कि हमारे पास मशीन वेट जिम में अवेलेबल है, ठीक है। इनसे अगर कंपेयर करें तो उनपे मैकेनिकल टेंशन ज्यादा बनेगी, उनपे फ्रीक्वेंसी वॉल्यूम बढ़ा के आप मसल्स जल्दी बिल्ड कर सकते हो, ये मेरे कहने का मतलब है। तो दो अलग अलग बातें, गिनी चुनी कंपाउंड मूवमेंट्स को मैं बिल्कुल मना करता हूं, नहीं करना है। उसके बाद दूसरी चीज ये कि जो कंपाउंड मूवमेंट्स में हमारे पास बेटर अल्टरनेटिव्स हैं वो मैं बताता हूं, जैसे स्क्वाट, बेंच प्रेस और डेडलिफ्ट, ठीक है। तो बस इतनी सी बात है, घुमा फिरा के गलत तरीके से ये बताने की कोशिश ना की जाए कि मैं इन मूवमेंट्स के अगेंस्ट में हूं। आई होप आप मेरी बात समझे होंगे, और जो नहीं समझे हैं वो इसी चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा है, कोई कुछ बोल दे रहा है, कोई कुछ बोल दे रहा है, फट से उनकी बातों पे यकीन हो जा रहा है। नहीं, दो अलग अलग बातें हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्क्वाट, बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट के अगेंस्ट नहीं हूं। हाँ, हमारे पास बेटर अल्टरनेटिव है, ये एक्सरसाइजेस भी अच्छी है, पर इससे बेटर एक्सरसाइज अवेलेबल है हमारे पास अगर मैकेनिकल टेंशन हमको ज्यादा चाहिए, मसल बिल्डिंग हमको करनी है। तो खोखली बॉडी बनेगी अगर मशीन वेट पे जाओगे, तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल गलत है, ठीक है। उसके बाद कुछ गिनी चुनी मूवमेंट जैसे पुल ओवर्स, बिहाइंड द नेक वाली एक्सरसाइज, क्योंकि लिगामेंट हमारा मसल नहीं होता है, मसल जैसा नहीं होता है कि वो स्ट्रेच हो गया, हमने खाया पिया, आराम किया, उसकी रिकवरी हो गई। लिगामेंट एक बार स्ट्रेच हो गया ना भाई, वो फिर स्ट्रेच्ड ही रहते हैं, वो प्रॉब्लमेटिक है, वो प्रॉब्लम देंगे आपको, ठीक है। तो बस इस चीज का आप ध्यान रखो कि इन एक्सरसाइजेस से दूर रहो,
ठीक है, डंबल पुल ओवर, बारबेल बेंट ओवर, सेंसलेस एक्सरसाइजेस, कोई सेंस नहीं है उसका, बारबेल बेंट ओवर का मैं अभी भी कह रहा हूं, ठीक है। नीचे जब बार रहती है तो हमारा मसल वहां पे सबसे ज्यादा स्ट्रांग रहता है, वहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, वहां रेजिस्टेंस ही नहीं है। जब पुल करके ऊपर लाते हैं तो मसल वीक हो जाता है हमारा मसल, हम ज्यादा देर तक होल्ड थोड़ी करके रख सकते हैं ऊपर, क्योंकि मसल वीक है वहां हमारा, ठीक है, वहां रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा। जहां मसल कमजोर है वहां पे ताकतें ज्यादा लगा रहा है जो वेट हमारे हाथ में है, जहां पे मसल सबसे ज्यादा स्ट्रांग है वहां ताकतें ही नहीं है जो वेट हमारे हाथ में है उसकी। अब इससे आसान भाषा में मैं क्या समझाऊं, कुछ गिनी चुनी मूवमेंट्स के अगेंस्ट में हूं, कंपाउंड मूवमेंट्स के अगेंस्ट में हूं मैं, वो नहीं करनी चाहिए, मैं ये बोलता हूं, करना है आप करो मेरी तरफ से, ठीक है। लेकिन ये ना बोला जाए कि हम तो कंपाउंड मूवमेंट्स के ही अगेंस्ट में है, ठीक है, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। जय श्री राम, धन्यवाद।